अच्छा हेलो गाइस वेलकम बैक। फोटो निकाल सकते क्या? हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। और आज है 25 अगस्त और आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे रोशन भैया ओनर जय माता दी डुमाल के, और ये नया सेटअप है तो ये बाद में खुलने के बाद दिखाऊँगा मैं। हमारे चेतन भैया डब मास्टर, फिलहाल तो मैं अपना सामान लेने के लिए आया था, थोड़ा रेडी होना है। आज दो प्रोग्राम है हमारा एक प्रोग्राम सुबह का चोकरधनी फार्म्स में, नागपुर में जो चोकरधनी फार्म्स है वहाँ पे शादी का, और शाम का प्रोग्राम छोटा ताजबाग में शाही सैंडल बजाना है दरबार का, तो उसका पूरा व्लॉग बनेगा आज। फिलहाल तो अभी सुबह सुबह 8 बजे 8:30 बजे गोडाउन पे आया हूँ मैं थोड़ा सामान लेने के लिए। पीछे नया सेटअप है, दिखाऊंगा वो भी मैं आपको व्लॉग में, तो बने रहना। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारा सेटअप पूरा खुल चुका है। चेतन भैया मैं अभी व्लॉग स्टार्ट किया हूँ, तो अभी सेटअप दिखा दो या बाद में दिखा दो? अभी दिखा दो तुम्हारी इच्छा है। अभी दिखा दूंगा तो लोगों को मजा नहीं आएंगे फिर व्लॉग में, और साउंड चेक भी होने वाला है ना अभी क्या? हाँ चलो ठीक है, दिखाई देता हूँ। चलो पलटो इधर, वीडियो लो इधर, लो क्या? हाँ ले लो। हाँ ये देखो एकदम नया सेटअप तगड़े में। पांच पांच की पोंगे की चेली लगाई है, पहले छह छह की थी, वो पूरी डिजाइन की सबसे लगाई है। ये जो दिख रहा है पूरा एरकोलिट शीट का वर्क है, पूरा ये डिज़ाइन ऊपर से पूरा नाम वाम सब एरकोलिट शीट का वर्क है, पूरा स्क्रू के साथ फिटिंग किया है, एक एक बारीक बारीक स्क्रू के साथ, देखो पूरा स्क्रू का वर्क है पूरा। और ये बहुत ही प्यारा, सबसे प्यारा, सबको पसंद आने वाला ये डिज़ाइन सामने का जितना भी है। फिर इधर साइड से भी सेम है, उधर साइड सामान ये देखिए है ना, सिर्फ गाड़ी थोड़ी झूठी पूरा नहीं लग रही है, बाकी सेटअप तो एकदम बहुत ज़बरदस्त बना है इस बार। अपने को तो बहुत पसंद आया, अभी पब्लिक पे डिपेंड है सब, उनको कैसा पसंद आया नहीं आया। और इस बार वो सामने की छेली सामने नहीं आई है, क्योंकि सामने अगर लगाए रहते तो वो मतलब सीधे जा रहे थे, अपने को थोड़ा नीचे टाइप में चाहिए था, इसलिए थोड़ा पीछे ढकेले। देखो वहाँ पर लगाई है पोंगे की छेली। बस ये पूरे ताशे वगैरह बाहर निकाल दिए, कल ऑर्डर बजाए थे ना इन्होंने शाम का, तो पूरे अंदर बांध दिए थे, इसको पूरा बाहर बांधना है। ये हमारे बैंजो मास्टर भाई अभी सो के उठे, ये देखिए। ये हमारे दत्ता भाई चिंदी बनाएंगे, ये बैंजो मास्टर घर पे लेके आए भैया को, और हमको तिरी बनाना है, फिर निकलते हम 11 बजे दरबेरे। अभी गेट तो अभी हम लोग चोकरधनी पहुंच चुके हैं, घर गए थे, खाना वगैरह खाए, फ्रेश होके चोकरधनी आए हैं। जिम्मे सेटअप बाकी लड़के, और ये हमारे गौरव भाई पांडरा बॉडी वाले, गाड़ी से आएगा आप लोग? चलो ठीक है, देखते हैं अंदर जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये चोकरधनी का एंट्रेंस है, अपना नया सेटअप जिन थोड़ा हमको बहुत प्यारा लग रहा है, तो यहाँ पे फोटो शूट करेंगे। ऐसा हमारे आस्तिक भैया का कहना है ना, सीन बहुत प्यारा है देखो, है ना, इतनी प्यारी फोटो निकलेंगे यहाँ पे चोकरधनी। गेट गाड़ी खड़ी अपनी, सेटअप एक जनरेटर की गाड़ी, लड़के लोग बैठे हैं, अभी रुके थोड़ा टाइम होगा इसलिए रुके, और हमें सामने में और अच्छा सीन दिख रहा है तब हम और जा रहे हैं सामने फ़ोटो निकालने के लिए। बस हम फोटो निकालते घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे स्टैचू देखो कितने सही से प्यारे प्यारे बनाए हैं, उधर बैल के पूरे स्टैचू है, इधर हाथी, उधर शेर भी है, गेंडा भी है। बस एंट्रेंस की है, इधर क्या पता नहीं लॉन है शायद से, चोकरधनी गाड़ी खड़ी है, अंदर भांगड़ा भी चालू है। पवन नाचते क्या फिर थोड़ा सा?
और यहाँ पे देखो गाड़ी कैसी है, छोटी सी, मेहमानों को लाने के लिए गेट से बस। देखो इधर ही आ रही है, देखते अभी पूछो ना तुम अच्छा भाई जी। फोटो निकाल सकते क्या? सो फाइनली अभी चोकर देने का प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका है और अभी यहाँ से पहले गोडाउन जाएंगे क्योंकि वहाँ से शार्की उठाना है हमको, उसके बाद जाएंगे छोटा राजबाग। तो मज़ा आया यहाँ पे भी, लेकिन धूप थी तो उतना मज़ा नहीं आया। धूप के कारण मज़ा नहीं आया भैया? धूप के कारण मज़ा आया क्या? गर्मी ने पूरी हालत ख़राब कर दी। बाकी गाड़ी सामने से पलट के आ जाएंगे, फिर रखते अपन बाजे और निकल के चोकर देनी। ये सीट के नीचे बाजा अभी थोड़ी देर, उसके पहले उधर से आए थे सामने से। क्या बोलिए ज्यादा गर्मी? अरे यार हालत खराब है अभी। अभी और हालत का खराब कर रहे हैं? अभी तो मेन प्रोग्राम चालू है ना, अभी तो बोल रहा हूं कि अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ चावल डाल रहा है, अभी बहुत कुछ डालना बाकी है उसमें। हिरोती में बिरयानी बनना बाकी है ना। हां इधर से सीधा ताजबाग जाना है, टाइम कितना हो रहा? 2 बज रहे। 2 कैसा? डायरेक्ट जिम से इधर आया था तो कैसा, अभी घर जाएगा थोड़ा फ्रेश होऊंगा फिर उसके बाद आऊंगा। ऐसा है क्या? तो चलो ठीक है, तुमको मिलेगी छुट्टी, डायरेक्ट आएंगे। घर जाना, आना इतनी वापस। ईश्वर भाई आप कौन से जिम में? रेंडर दादा इधर जिम का ब्रांडिंग नहीं चालू है यहाँ पे। को इनकी बंदर जैसी शकल को, ये बंदर जैसी शकल, ये वाला डब्बा जैसे टाइगर वाला, ये टाइगर और बंदर का। हाँ टाइगर और बंदर का, देखो दोनों की शकल देख लो, मिलती क्या? नहीं मिलती। एक बार करो अभी, कहता हूँ इसे देखो, बंदर है पूरा बंदर और ये टाइगर वाला डब्बा जाता। वाह रे वाह, गाड़ी मेरे को लगा पलटा के लाएंगे, वहाँ जाके खड़ी कर दिया। अभी वहाँ लेके जाना पड़ेगा इतना सारा सामान, ये देखिए ये उठा के वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पे रखेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे सना नाना पीरी धीरे टा। तो चलो ये हमारा चप्पल स्टैंड यहाँ पे सामने गाड़ी के सीट के नीचे, बाकी पूरे पीछे बैठेंगे। अभी मैं भी अपने शूज़ उतार देता हूँ पट से। और मैंने जब भी आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ होगा लॉन वगैरह, तो यहाँ पे लॉन नहीं है, मंदिर है यहाँ पे, मेरे को पता नहीं था। यहाँ से अंदर जाके मंदिर है। बाय बाय चोकर धनी। तो फाइनली छोटा राजबाग हम लोग पहुँच चुके हैं। मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा के रखा था इसलिए अभी तक के लॉक शूट नहीं किया। मेरा मोबाइल दत्ता भाई लेके आए, हम लोग गाड़ी से आए, दत्ता भाई सेटअप से आए, तो इसलिए मैंने लॉक शूट नहीं किया। बस अभी राजबाग पहुँचे छोटा राजबाग। और यहाँ पे कितने तुम्हारे, 1, 2, 3, 4, 5 धुमाई यहाँ पे खड़ी है। अभी 5 धुमाई चालू हो रही है, चालू होंगी मतलब थोड़ी देर में। डब पार्टी भी है, डीजे भी है, मैं आपको एक एक करके सभी दिखाता हूँ, ठीक है? क्या हमारे तेजस भैया लाइटिंग ऑपरेटर, क्या हमारे गनी भाई डोल मास्टर, ये हमारे सब डोल मास्टर हैं। ये अपना सेटअप देख लिया था तुमने, ठीक है? बाद में ये गोंडवाना धुमाल वर्धा की है, इधर लक्ष्मी कृपा भी खड़ी है सामने, और इधर चांद कृपा और जयका जी खड़े हैं, तो उधर भी चलते अभी। और ये हमारे मास्टर गणेश मास्टर, इनसे मिलो आप लोग, ये गणेश मास्टर हमारे। चलो ठीक है, ब्लॉग बन रहा, बोला ब्लॉग। ड्रेसिंग देखो भाई यार, ड्रेसिंग स्टाइल देखो भैया। गाड़ी अभी पहुंचे जस्ट, ठीक है? चलो इधर चलते हैं, लक्ष्मी कृपा की गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे डब मास्टर लक्ष्मी कृपा धुमाल ग्रुप के, ये हमारे ढोल मास्टर, हाँ ये मास्टर ताशा मास्टर, साथ में ढोल ताशी की गाड़ी जनरेटर की, और सेटअप। चलो चलते सेटअप की तरफ, देखते पेंटिंग बहुत प्यारा लग रहा है इनका, पुंगी का बहुत सही, ऊपर में ग्रास भी लगा है नीचे साइड में। अभी लक्ष्मी कृपा का सेटअप जी का, अभी चलते गोंडवाना धुमाल तरफ वर्धा की, उसका शॉट लेके। अरे देखो पीछे में फेटा बांधना चालू है सभी को, पक्का हो गया अभी रेडी, बस हम ही बचे। अरे हमारे मास्टर देखो, कब रेडी हो रहे तुम? कब रेडी हो रहे? ये इसमें रेडी है क्या? अरे बापा बापा, रुको रुको, हाँ अभी बोलो। तुमने ऐसी बताया था क्या कि अच्छे कपड़े ला रहे करके? यार हम ऑर्डर बाजार वैसी वैसी आए थे, कुछ अच्छे नहीं ला रहे थे हमने, तो वो हिसाब से पिक्चर बता दिया यार तुमने। भाई कहाँ आए अपन बजाने? कहाँ आए अपन बजाने? छोटे ताजबाग में। कौन सा संडल है? दरबारी संडल बजा रहे बोला। अरे भैया हाँ मानता ना मैं, लेकिन तुमने ऐसी बोले। अरे चादर है, कोई भी रहे चादर है, तुमको समझने को ना, नहीं व्लॉग में झगड़ा नहीं करना।
व्लॉग में झगड़ा नहीं करना, व्लॉग में झगड़ा नहीं करना। ये गोंडवाना धुमाल है वर्धा की, देखते हैं अपना इधर बाकी से सेटअप दो कहीं कैसे। डीजे चार बेस और ये क्या लाइनर टॉप क्या है मेरे को भी नहीं पता, उतना लाइनर ही शायद से। ये जयकाली रुमाल, अरे अपने मोहन मास्टर आशे वाले। धीरज भाऊ का काम चालू है, ये भी एकदम कड़क में जय काली बेचते भी लिख दिया इन्होंने। देखो ये जो रथ है ये साल में सिर्फ एक ही बार निकलता है, वो भी शाही संकल के दिन जब दरबारी संकल रहता है, मतलब आज के दिन साल में सिर्फ एक ही बार निकलता है रथ। सलाम यहाँ पे चालू हो रहा है, हमने दरगाह के पास नहीं किया सलाम, बस ढोल तसे बजा क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, चार चार धुमाल थे और ग्राउंड छोटा पड़ रहा था, वहाँ पे एक टाइम पे दो ही धुमाल चालू सकती थी, तो जयकाली और चांद कृपा हो रही थी। हम सीधा आ गए रोड पे, यहाँ पे चालू कर रहे हैं संदल के साथ, पीछे में रहते हैं पूरा संदल पीछे में अपने। तो अभी थोड़ा पानी वानी पिए ताजबाग के गेट के पास, थोड़ा ताजबाग के अभी टाइम हो गया 12:15 बज रहे, तो अभी चलते घर के तरफ, देखूंगा मैं ये व्लॉग सामने एंड करूंगा, तो अभी निकलते घर के लिए, ठीक है।